खुद अपलोड करता हूं वो मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं ईमानदारी से, एक एक चीज आप लोगों को सिखाऊंगा, कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। दोस्तों ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, इसलिए इस मौके को जाया मत कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां पर सब्सक्राइबर भी दिखा देता हूं, 23,727 है। इसको रिफ्रेश करें तो ये देखें 2 सब्सक्राइबर बढ़ गए ना। इसी तरह दोस्तों आपके भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंडों में। ऐसे बार बार रिफ्रेश करेंगे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। बस आप लोगों ने ध्यान से समझ लेना है एक एक चीज को। अगर आपको ना समझ आए तो आप वीडियो को पीछे कर करके समझ सकते हैं, दो बार देख के समझ सकते हैं। एक दफा समझ लिया ना तो आपकी मेहनत जाया नहीं जाएगी, वरना वीडियो डाल डाल के आप लोग थक जाओगे और आपके व्यूज नहीं आएंगे। दोस्तों सबसे पहले लोग क्या करते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, यहां पर प्लस के पॉइंट पर दबाते हैं और यहां ये लिखा ना अपलोड वीडियो, यहां से वीडियो अपलोड कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके व्यूज नहीं आते। दोस्तों ये गलत तरीका है, इस तरीके से आप लोगों ने वीडियो अपलोड नहीं करनी। अब दूसरा जो तरीका है वो भी काफी लोग अपनाते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। वो कौन सा तरीका है वो मैं आपको आगे बताता हूं, लेकिन उससे पहले आपको 2-3 चीजें वीडियो अपलोड करने से पहले कर लेनी है। यही असल राज है जो आप लोगों को नहीं पता, वो समझिए। वो क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने अपना टाइटल बना लेना है। दोस्तों अगर आप लोग व्लॉगिंग करते हैं, कुकिंग का चैनल है, टेक का चैनल है, कोई भी चैनल है, आप क्या कर सकते हैं उसके टाइटल बना सकते हैं, कहां से, जो कि सर्चेबल है, लोग सर्च करें आपकी वीडियो, सर्च में जाए, लोगों तक पहुंचे, वो वाला टाइटल बनाना है। कैसे, सबसे पहले आपने यूट्यूब खोलना है, इसको मैं पीछे करता हूं, यहां पर क्लिक करना है, ये लिखा है टर्न इनकॉग्निटो, यहां पर आपने क्लिक कर लेना है। अब यहां पर आप लोग सर्च करेंगे, क्या सर्च करेंगे, अपना टॉपिक। दोस्तों सबसे पहले तो मैं वो वाला टॉपिक बताता हूं जो सर्च कम होता है, यानी कि कहते हैं ना कि व्लॉग, यार व्लॉग का क्या कीवर्ड लगाएं, तो यहां पर अगर मैं व्लॉग सर्च करता हूं ना तो फिर भी दोस्तों आपको मिल जाएंगे। ये देखें व्लॉग्स, व्लॉग पाकिस्तानी, व्लॉग व्लॉगर बर्ड, व्लॉग्स एस्ट्रोलॉजी, व्लॉग्स फॉर ऑल, तो व्लॉग बनाने का तरीका, ये कितने कीवर्ड है, आप यहां से कोई भी अपनी वीडियो में लगा सकते हैं। लाजमी नहीं है कि एक लगाना है, वो डंडा लगा के आप 3-4 लगा सकते हैं, जो आपके ब्लॉग का टॉपिक है वो शुरू में लिखना है, उसके बाद ये वाले लगा सकते हैं। अब खैर मैं आपको मेन जो सर्चेबल टॉपिक है वो बताता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपनी ही कैटेगरी का आपको कोई एक टॉपिक सर्च करके दिखा देता हूं, वैसे ही आपने अपनी कैटेगरी का सर्च करके टाइटल बनाना है। ठीक है, मैं अपनी कैटेगरी का सर्च करता हूं कि यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने का सही टाइम। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं वीडियो। ठीक है दोस्तों, YouTube बीच में नहीं लिखते, वीडियो अपलोड करने का सही टाइम, ये देखें चौथे नंबर पे आपको नजर आ रहा होगा, एक कीवर्ड मुझे मिल गया, ये लोग सर्च कर रहे हैं, मेरा ये टॉपिक है तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, इसको कॉपी करके आपने दोस्तों प्ले स्टोर से ये कर लेना है कलर नोट, आप लिखेंगे ना प्ले स्टोर पे कलर नोट, ये आपको मिल जाएगा, यहां पर आपने इसको पेस्ट कर लेना है। मैं यहां पर इसको पेस्ट कर लेता हूं, इसके बाद स्पेस देके यहां पर डंडा लगा देना है, यहां पर क्लिक करके ये आपको डंडा मिल गया, ये आपने लगा दिया। अब इसको एक दफा मैं इंग्लिश में सर्च करता हूं, ठीक है बेस्ट, ठीक है बेस्ट टाइम, ये देखें बेस्ट टाइम टू अपलोड यूट्यूब शॉर्ट, ये तीसरे वाला मेरा है, बेस्ट टाइम टू अपलोड यूट्यूब वीडियोस, तो यहां से मैं ले लेता हूं इसको, ये तीर को क्लिक करना है नीचे से, इसके ऊपर एक दफा क्लिक करके रखना है, ये कॉपी हो गया, ये मेरे पास एक इंग्लिश वाला भी आ गया है। अब ये मेरा क्या बन गया दोस्तों, टाइटल, क्या बन गया टाइटल। अब मैं आप लोगों को टैग्स और डिस्क्रिप्शन बनाने का तरीका सिखाता हूं, वो भी आपने पहले ही बना के रख लेनी है, उसके बाद वीडियो अपलोड करनी है। ये एक काम हो गया, अब दूसरा काम करते हैं, क्या टैग्स, टैग्स कैसे फाइंड करने हैं दोस्तों, आपने ये क्रोम पर क्लिक करना है, यहां पर आपने सर्च करना है रैपिड टैग्स, क्या सर्च करना है rapidtags.io, ये आपको खुद से ही यानी कि रेकमेंड कर देगा रैपिड टैग्स, ये जैसे ही मैं सर्च करूंगा ये देखें ये वेबसाइट आ गई है, इस पर क्लिक करना है। अब क्या करना है, जो मैंने वहां पर एक टॉपिक सर्च किया था ना उसको पहले मैं कॉपी कर लाता हूं, ये वाला वीडियो अपलोड करने का सही टाइम, इसको मैंने कॉपी कर लिया, यहां पर इसको पेस्ट कर देता हूं। जैसे ही मैं यहां पर दोस्तों पेस्ट करूंगा, ये सर्च पर दबाऊंगा, इसने ये मुझे वो वाले टैग्स दे दिए कि अगर लोग उल्टा सीधा जैसे भी सर्च करें मेरी वीडियो सर्च में आए। ठीक है, लाजमी नहीं है कि लोग इसी तरह सर्च करेंगे कि वीडियो अपलोड करने का सही टाइम, लोग उल्टा सीधा भी सर्च कर सकते हैं, तो देखें जो भी रिलेटेड है आप वो वाले रख सकते हैं, बाकी यहां से डिलीट करने का ऑप्शन भी होता है, जैसे ही उन्होंने थोड़ा इरेलेवेंट दे दिया यूट्यूब वीडियो अपलोड करने का सही तरीका, तो इसको काट सकते हैं। तो हमारे पास टाइम शॉर्ट है तो आप काट लीजिएगा जो इरेलेवेंट होंगे, जो रेलेवेंट है वो टॉप रैंक है यानी कि सर्च एबल है, तो आपने यहां से कॉपी कर लिया और नोट्स में एक आपने नया नोट्स बनाया, यहां प्लस दबा के उसके अंदर इसको रख लिया। अब ये हमारे पास टैग्स भी आ गए हैं, अब तीसरा काम करते हैं, किसका, डिस्क्रिप्शन का। डिस्क्रिप्शन के लिए आपने एक नया नोट बनाना है, यहां पर आपने डिस्क्रिप्शन बनानी है, कैसे, शुरू में लिख देना है योर क्यूरीज, क्या लिखना है योर क्यूरीज, तो ये आप लोग लिख लेना। ठीक है, उसके बाद ऐसे और ऐसे, ठीक है ऐसे, एक मिनट, ये चीज अब थोड़ा सा नीचे करके यहां पर वही टैग्स हम पेस्ट करेंगे, पेस्ट कर दिया। अब इनके कॉमास हटाने हैं, मैं जल्दी जल्दी हटा लेता हूं। ठीक है,
ये देखें दोस्तों, मैंने सारे कॉमास हटा दिए हैं, ये मेरी क्या बन गई, डिस्क्रिप्शन। अब ये डिस्क्रिप्शन बन गई है, अब एक और काम करना है जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर आपकी वीडियो टारगेट ऑडियंस के पास नहीं पहुंच पाएगी। वो क्या काम है दोस्तों, आपने सबसे पहले जो वीडियो बनाई है, जाहिर आपकी गैलरी में होगी, मैं इसको खोलता हूं, ये रही वो वीडियो, इसको आपने रीनेम करना है। क्या करना है, रीनेम। यहां पर क्या पेस्ट करना है, जो आपका टाइटल है, कहां गया, ये रहा, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूं, ये रहा, यहां जो आपका दिल करे उर्दू वाला या इंग्लिश वाला आप एक कर सकते हैं, जो आपको लगता है कि ज्यादा सर्च हो रहा होगा, तो मैं उर्दू वाला ही कर लेता हूं। मैं यहां पर जाऊंगा, ये जो इन्होंने लिखा हुआ है ना सारा, ये वाला, बल्कि ऐसे ही कर लेते हैं, और ये .mp4 से पहले पहले मैं क्या करूंगा, यहां पर ये पेस्ट कर दूंगा, ये वीडियो अपलोड करने का सही टाइम। जब हम वीडियो अपलोड करेंगे ना, तो ये YouTube के सिस्टम में चला जाएगा और हमारी वीडियो वो समझ जाएगा कि ये कौन सी ऑडियंस के पास भेजनी है। एक ये काम करना है, दूसरे नंबर पे जाहिर आपने थंबनेल बनाया होगा, ये रहा थंबनेल। अब इस थंबनेल को भी हमने रीनेम करना है, यहां पर क्लिक करके रखेंगे थ्री डॉट्स पे, और सॉरी रीनेम पे दबाना है, रीनेम पे, और यहां पर क्लिक करके रखना है ये .jpg से पीछे पीछे, और यहां पर हमने इसको पेस्ट कर देना है। अब ओके कर देना है, दोनों हमने रीनेम कर लिए, तीन काम हो गए। अब हमने अपनी वीडियो को अपलोड करना है दोस्तों। आइए, अपलोड करने का तरीका आप लोग ध्यान से समझ लेना। आपने क्रोम को खोलना है और ऊपर आपने सर्च करना है youtube.com, ठीक है, कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट क्रोम खोल के youtube.com आपने सर्च करना है। यहां पर ये आपको नजर आ रहा है लोगो, यहां पर क्लिक करना है, यहां दबा के आपने यहां से अपनी आईडी को लॉगिन कर लेना है। अगर है तो वेरी गुड, नहीं है तो यहां पर ये नीचे ऐड अकाउंट पे दबाएंगे, आगे आपसे आपके चैनल की ईमेल पूछेगा, पासवर्ड पूछेगा, ठीक है। अगर पहले से यूट्यूब में भी लॉगिन है तो यहां पर आ जाएगा, इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहां पर ये मेरा पहले से गुड है, लॉगिन है, तो ये मैंने एक रैंडम ऐसे आईडी बनाई आप लोगों को समझाने के लिए, ये खुल गया यहां पर। अब आप लोगों ने ऊपर सर्च करना है studio.youtube.com। दोस्तों आप लोगों को अभी शायद लग रहा हो कि यार ये तो बड़ा मुश्किल तरीका है, मुश्किल नहीं है, एक दो दफा करेंगे बहुत आसान है। आपके सामने दोस्तों इस तरह का पेज ओपन होगा, आपने ये देखें नीचे करना है, और मैं आप लोगों को दिखाता हूं, ये लिखा हुआ है ना क्रिएट, यहां पर दबाना है आपने, ये पहले नंबर पर आ रहा है अपलोड वीडियोज, यहां पर दबाना है। जैसे यहां पर दबाऊंगा मेरे सामने एक पेज आ जाएगा इस तरह का, ये देख लें, ये लिखा है सिलेक्ट फाइल्स, यहां पर मैं क्लिक करता हूं, सिलेक्ट फाइल्स पर क्लिक किया, ये नीचे फाइल्स लिखा आ गया। अब यहां पर आपकी गैलरी शो होगी, ठीक है, आपने फाइल्स पर क्लिक करना है, जो भी आपकी गैलरी है। यहां पर ये देखें, ये मेरी वीडियो है, सेकंड नंबर पे वीडियो अपलोड करने का सही टाइम। तो जब ये मैं अपलोड करूंगा, तो अब देखना एक चीज मैं आप लोगों को दिखाता हूं, जो अभी हमने की है वो यहां पर आपको शो होगी। ये देखें, YouTube ने ऑटोमेटिकली यहां पर फाइल नेम फिक्स कर दिया है, जो कि अब YouTube के सिस्टम में भी प्रोसेस हो जाएगा जितनी देर में ये अपलोड होगी, ठीक है। अब ये चीज होगी, अब दूसरे नंबर पे अब हमने क्या करना है, हमने जो टाइटल लिखा था उसको यहां पर लाना है, पीछे करते हैं, यहां पर ये टाइटल, इसको पूरा हमने कॉपी कर लेना है, कॉपी किया और यहां पर हमने इसको, इस वाले को हटा देना है, ठीक है, और ये वाला जो है इसको हमने पेस्ट कर देना है। ये देखें ऊपर प्रोसेसिंग भी हो रही है, फिट हो गया, अब YouTube के ये सॉफ्टवेयर में चला गया, अब ये हमारी वीडियो पक्की सर्च में जाएगी। अब यहां पर डिस्क्रिप्शन लिखनी है, जो हमने डिस्क्रिप्शन लिखी थी उसको लाते हैं यहां पर, ये योर क्यूरीज वाली, यहां पर दबाएंगे, इस सारे को कॉपी कर लेंगे, इसको वहां जाकर पेस्ट कर देंगे। तो मैं यहां पर कर देता हूं इसको पेस्ट, नहीं हुआ, अब ये हो गया पेस्ट। अब थोड़ा सा नीचे जाना है दोस्तों, एक और चीज है हैशटैग, वो भी आप यहां पर ही लगा लें, ठीक है, बहुत आसान है, वीडियो अपलोड करने का सही टाइम है ना, तो यहां पर हम हैश दबाएंगे, तो यहां पर ये हमें शो करना शुरू कर देगा, वीडियो अपलोड, ठीक है, वीडियो अपलोड, ठीक है, ये एक लगा देते हैं, एक हम लगा देते हैं क्योंकि मेरा YouTube रिलेटेड है, तो अगर आपका व्लॉग्स के रिलेटेड है तो आप व्लॉग्स लगा सकते हैं, हैश लगाएंगे, उसके बाद YouTube लगा दिया, इसी तरह YouTube वीडियो, दो तीन बस आपने लगा देने हैं दोस्तों। अब हमने यहां पर, ये नीचे आपको नजर आ रहा होगा, यस इट्स मेड फॉर किड्स, यहां पर लिखा है नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स, तो आपने यहां पर क्लिक करना है नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स। नीचे शो मोर नजर आ रहा होगा, आपने यहां पर क्लिक करना है और नीचे आपको यहां पर एक टैग्स का ऑप्शन नजर आ जाएगा, यहां पर आपने टैग्स को पेस्ट कर देना है। यहां पर जो हमने टैग्स बनाए थे हम उनको जल्दी से कॉपी कर लेते हैं, यहां से सारे कॉपी कर लिए, और कॉपी करने के बाद हम इनको यहां पर पेस्ट कर देते हैं, ये हमारे टैग्स भी लग गए हैं दोस्तों। हमने सारी चीजें लगा ली हैं, अब एक चीज रह गई है थंबनेल, वो कैसे लगाना है दोस्तों, थोड़ा सा ऊपर करें, ये देखें आपको नजर आ रहा होगा अपलोड थंबनेल, यहां पर आपने क्लिक करना है दोस्तों। जैसे ही यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा, आपने ब्राउज पर दबाना है और आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। ये जो अभी हमने थंबनेल बनाया था वीडियो अपलोड करने का सही टाइम, ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे, ये देखें ये हमारा थंबनेल लग चुका है। अब कहां पर क्लिक करना है, विजिबिलिटी पे क्लिक करना है, और यहां पर हमने पब्लिक पर दबा के यहां नीचे पब्लिश पर दबा देना है, और ये हमारी वीडियो पब्लिक
हो जाएगी। दोस्तों यकीनन आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आप लोगों ने वीडियो को किस तरीके से अपलोड करना है। अगर इस तरीके से अपलोड करेंगे तो आपके जरूर व्यूज आएंगे, जरूर वीडियो वायरल होगी, टारगेट ऑडियंस के पास जाएगी। एक चीज दोस्तों मैं आप लोगों को लास्ट पे क्लियर कर दूं, कोई भी चीज एकदम नहीं होती, ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है। आप ये करते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपको फर्क नजर आएगा और इंशाल्लाह आपके व्यूज इंक्रीज होंगे। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियोस बनाता रहता हूं, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।